अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो वेलकम माय सेकंड ब्लॉग। तो मैं अभी अभी उठा हूँ, टाइम हो रहा है 7, रात के 7। तो आज है दावत कज़न के घर पे, तो वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो भाई आज है दूसरी ईद। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पहली ईद का ब्लॉग क्यों बनाया। यार मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ कि पहली ईद को मेरे साथ बहुत बैड सीन है, तो इसलिए मैं व्लॉग बना ही नहीं पाया। तो बड़ी माजरत। तो आज है ईद का दूसरा दिन, तो इंशाल्लाह आज हम आपको साथ लेके चलेंगे। तो बस दावत में जाना है, ठीक है। तो उससे पहले हम गाड़ी में पेट्रोल डलवा के रख लें, वरना अम्मा का पता है आपको गुस्सा करती है। तो चलें आपको लेके चलते हैं, यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट है। तो बस चलते हैं भाई अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाने। अम्मा मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ। छोटू अल्लाह हाफिज नूरी भाई, अल्लाह हाफिज फाखर भाई, अल्लाह हाफिज। अबे गेट खोला छोड़ दिया था मैंने। तो भाई आ गए हैं पेट्रोल वेट्रोल डलवा के घर, और अब रेडी होते हैं, फिर चलते हैं दावत में। तो गाइस हम लोग हुए हैं रेडी दावत में जाने के लिए। तो बस अब फौरन चलते क्योंकि लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। चलो भाईजान, घर से तो निकल गए थे लेकिन अब ट्रैफिक इतना हो रहा है कि बस क्या बताएं, इतना ट्रैफिक हो रहा है। जौहर का रास्ता आपको पता है, जौहर पे कितना ट्रैफिक होता है। वैसे ही लेट हो गए थे, अभी और लेट। बस देखें कब पहुंचते हैं। और अम्मा मुझ पे गुस्सा हुए जा रही हैं क्योंकि हम लेट मेरी वजह से, और अम्मा ये बराबर में बैठी हुई है साथ। देखें क्या होता है। तो भाई ईद पे जाएँ और मिठाई ना लेके जाएँ तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो अम्मा कहीं अभी मिठाई लेने, तो अभी चलते हैं भाई। फाइनली पहुंच गए हैं बड़े रश के बाद। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आ गए हो? तो भाई खाना वाना खा के हो गए फ्री, और बाहर जैसे भी सब बातें कर रहे हैं और हम आके यहाँ बैठ गए क्योंकि सब बड़े बातें कर रहे हैं। तो अभी होगा ईदी का सेशन, तो हम आपको दिखाएंगे कैसे ईदी बैठती है। ईदी का काटर है, मैंने ये क्या दे रहा हूँ आपको? मैं चाहता हूँ कि यूपीआई की कीमत दोबारा आए। तो अपने चैंपियन के लिए चैंपियन है। वालेकुम सलाम। सही है भाई, बहुत थका गया। घर की तरफ चल रहे हैं। सुदेम भाई आपकी क्या हालत है? बहुत थक गए। तो भाई दावत वगैरह से फ्री हो गए थे, तो हम घर गए नहीं क्योंकि हमारे एक दोस्त की कॉल आ गई थी, उनके घर आ गए। अब यहाँ से पता नहीं कब जाएंगे, क्या होगा। आज का छोटा व्लॉग होगा लेकिन देख लीजिएगा भाई, खैर हो गई, आगे चल के बड़े व्लॉग बना लेंगे। तो हम अपना व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।